अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शिद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजली वाला पंप उसका पानी किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, आजकल बिजली के शॉर्टफॉल और कम बिजली का प्रॉब्लम हर जगह होता है, तो ऐसे में बिजली की जो मोटर्स होती हैं वो पानी नहीं देती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटर से किस तरह पानी जो है वो कम बिजली पर भी ज़्यादा पानी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने मोटर जो पंप है उसकी जो मेन कैपेसिटर है वो असल एक नंबर फ्यूजी का कैपेसिटर डलवाएं। फ्यूजी का जो कैपेसिटर होता है वो आम कैपेसिटर से अच्छा होता है और उसके लिए जो थोड़ी सी कीमत है वो भी आपको ज़्यादा देनी होती है। तो मेरे ख़्याल है कि तकरीबन 150 से 200 रुपये का जो है ना वो आम आम और असल कैपेसिटर का फ़र्क होता है। इसके अलावा आप जब आप अपने मोटर जो है उसका जो मेन केबल तार आ रही होती है आप उसको असल तार जो है उसके साथ लगाएं। 7 और 29 अगर तार मिल जाए, सिंगल मिल जाए, डबल मिल जाए तो इससे बेहतर कोई तार नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आपका जो मोटर पंप है वो इजाफी पानी देगा। इसके अलावा कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की बात मैं आपको बता रहा था, तो कैपेसिटर जो है अगर आप चाहें तो आप फ्यूजी का जो है वो डबल कैपेसिटर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर बिजली कम आती है तो उसके जो है वो इंपेलर के चक्कर जो है वो पूरे रहेंगे और आपको पानी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जहाँ अगर हो सके तो आप जो है ना अपने पंप की जो है बोरिंग उसको भी जो है वो वक्तन वक्तन साफ़ करवाते रहें ताकि उसमें अगर कोई मिट्टी मिट्टी वगैरह या कोई कचरा वगैरह चला गया तो वो साफ़ हो जाए। और जो है इस तरह आप जो है ना आपको जो मोटर है उसका ज़्यादा जो ज़ोर है वो नहीं लगेगा और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा। तो उसके अलावा मोटर पंप जो है वो तार के अलावा भी एक चीज़ होती है कि जो आप अगर बिल्फर्ज आपकी मोटर जो है वो जल जाती है अल्लाह ना करे तो आप उसको जो है वो अच्छी क्वालिटी की तार से किसी मुस्तनद कारीगर से ज़्यादा पैसे देकर आप उसे वाइंड करवाएं ताकि वो उसमें बराबर मकदार में जो है वो उसमें तार डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।